खाजूवाला पुलिस ने फाइनेंस कर्मचारी से हुई 1,17,000 की लूट की वारदात का 12 घंटों में ही पर्दाफाश करते हुए 3 लुटेरों को बापरदा गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नशे की लत के चलते इन लुटेरों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद DYSP विनोद कुमार के नेतृत्व में 5 अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। ये सभी आरोपी रावला थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने इन आरोपियों को 365 हेड इलाके से, खेतों और ढाणियों से गिरफ्तार किया है। घटना को अंजाम देने के बाद यह सभी आरोपी यही छिपे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत ने बताया कि खाजूवाला में गुरुवार रात को हुई लूट की इस घटना के बाद पुलिस ने स्पेशल सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शेखावत ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार भारत फाइनेंस के कर्मचारी दीपाराम को 4 अज्ञात बदमाशों ने स्विफ्ट कार से टक्कर मारकर पहले नीचे और उसके बाद यह बदमाश उसके पास मौजूद रुपयों से भरा बैग लेकर कार से फरार हो गए। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आसपास के खेतों और ढानियों में छिपे इन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस वारदात में लिप्त 3 बदमाशों को बापरदा गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए राउंडअप किया है। पुलिस ने लूट के दौरान काम में ली गई एक कार को भी जब्त किया है। हालांकि यह बदमाश इतने शातिर थे कि इन्होंने घटना को अंजाम देने के बाद कार को छोड़ दिया और मोटरसाइकिल लेकर भाग निकले। लेकिन कहते हैं, अपराधी कितने ही शातिर क्यों नहीं हो, पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकते। और इन बदमाशों के साथ भी यही हुआ। आरोपियों से पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता चला है कि आरोपी नशे के आदि है और अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए उन्होंने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। कल हमें सूचना मिली थी कि 6 BD से 8 KYD जाने वाले रास्ते के ऊपर भारत फाइनेंस है, उसके एक एजेंट के साथ कार में आए कुछ युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशन और सुपरविजन में हमने आरोपियों की तलाश शुरू करी। घटनास्थल को देखा, आसपास पूछताछ करी, पीड़ित व्यक्ति से पूछताछ की और उसके पश्चात मुखबिर की एक इतला के आधार पर हमने 365 हेड के एक व्यक्ति को चिन्हित किया। उसके बारे में पता किया तो नशे का आदि व्यक्ति था और घटना से कुछ पूर्व ही घटनास्थल पर देखा गया था। हमने उसकी तलाश की, गाड़ी के बारे में जो जानकारी मिली उसके आधार पर भी हमने व्यक्तियों को चिन्हित किया और इसके पश्चात CO साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने विभिन्न टीमों का गठन किया, जिसमें पूगल और दंतौर की पुलिस भी थी और हम लोगों ने 365 हेड के आसपास इन व्यक्तियों को स्पॉट किया, जिसके बाद में 365 हेड के आसपास की चकों को चारों तरफ से घेर कर और मुखबिरों की सूचना और मोबाइल लोकेशन के आधार पर हमने 3 आरोपियों को दस्तयाब किया है। ये अभी तक जिनको हमने अरेस्ट किया है वो आम तो नशे के आदि व्यक्ति हैं और उस एरिए में बदमाशी करते हुए घूमते रहते हैं। उन्होंने अपने नशे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये घटना को अंजाम दिया।